दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव मोटर प्रव्यू से आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी, वो बड़ी छोटी सी वीडियो है और बहुत न्यूज़ में चल रही है। हमारी जो फेवरेट कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, मारुति उद्योग लिमिटेड, उस पर लगा है सीसीआई ने 200 करोड़ का फाइन। अब सीसीआई क्या है? सीसीआई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई खेल का नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचते हैं इंडिया में, उनके बीच में कंपटीशन हेल्दी रहे, ये एक चेक रखती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जब नहीं होता तो इसके बीच में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आती है और जो भी सोल्यूशन है वो निकालती है। सोल्यूशन चाहे कुछ करना हो या ना करना हो, या फाइन लगाना हो नहीं लगाना, वो उन पर डिपेंड करता है। अब मारुति उद्योग क्या कर रहा था, ये हमारा सवाल है। इसका आंसर है कि मारुति उद्योग जो अपने डीलर्स हैं उनको एक डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हम जो डीलर से लेते हैं, किसी को 20 का मिल जाता है, किसी को 30 का मिल जाता है, किसी को 50 का मिल जाता है, वो डीलर टू डीलर वेरी करता था। लेकिन मारुति उद्योग ने क्या किया कि आपने हर डीलर को बोल दिया कि एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो मारुति उद्योग तय करेगा उसके ऊपर कोई भी डीलर आगे फर्दर कंज्यूमर को डिस्काउंट नहीं देगा, जो मेरे ख्याल से एक गलत प्रैक्टिस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे मारुति है, मारुति उद्योग ने, आप समझ लीजिए, 5,000 का डिस्काउंट देना उसके ऊपर देगा ही नहीं मारुति, तो उसको फॉलो करते हुए महिंद्रा, फोर्ड, जितनी भी गाड़ी कंपनी है, निसान, जो भी है, वो भी अपने जो डिस्काउंट्स है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है इतनी बड़ी कंपनी जो हमेशा हाई सेल पे रहती है इंडिया में, अगर वो डिस्काउंट कर्व कर रही है, डिस्काउंट रोक रही है, तो हम भी क्यों ना करें। मतलब जो कंज्यूमर को डिस्काउंट मिल सकता था वो मारुति उद्योग के प्रैक्टिस के वजह से रुक गया, जो नहीं मिल रहा। इसी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको देखा, इसको एनालाइज किया, इसको पूरा चेक करने के बाद ये तय किया कि ये एक गलत प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो करनी चाहिए, और इसी के चलते उन्होंने 200 करोड़ का एक फाइन लगाया है मारुति उद्योग पे। हालांकि मारुति उद्योग कुछ और कहना, एक और कह रही है, वो कहना चाह रही है कि हम ये डिस्क्रिपेंसी चेंज करना चाहते थे कि यहाँ पे अलग डिस्काउंट है, वहाँ पे अलग डिस्काउंट है, डिस्काउंट हर डीलरशिप पे एक ही मिले, जो मेरे हिसाब से एक वैलिड आंसर नहीं था। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी, क्रिस्प थी, जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, मैंने बहुत कम टाइम में दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।